आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये सर विंदर जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आज हमने 2800 के ऊपर बिनौला खल को ट्रेड करते देखा था। अभी भी देख रहे हैं 2800 के करीब ही है और 2830 का हाई लगा चुका है। 2% से ज्यादा की तेजी अभी भी बिनौला खल में शाम के कार्रवाई सत्र में देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, अगर आज बिनौला खल 2800 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो क्या ये पूरा कारोबारी सप्ताह बिनौला खल 2800 के ऊपर ही देखने को मिलता रहेगा? देखिए, कोकुड में मैंने पहले भी जब आपसे बात हुई थी उस समय यही कहा था कि कोकुड में फर्दर बाइंग साइड में ही रहना थोड़ा बेहतर रहेगा। ट्रेंड जो है ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है और कॉटन में जिस तरीके का मूव हमने आता हुआ देखा है, अभी भी कॉटन में फर्दर करेक्शन के बाद हायर साइड देखने को मिल सकती है और वो सपोर्ट कोकुड में देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ में सोयाबीन की जो बाइंग थी उस साइड से भी सपोर्ट देखने को मिला ऑयल सीड का, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कोकुड जो है ये फर्दर अपसाइड में मूव करता हुआ दिख रहा है और हायर साइड में 2860 के ऊपर अगर ये कमोडिटी सस्टेन करती है तो जल्दी देखेंगे कि 3000 के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे। सपोर्ट जो है ये 2650 के आसपास का अभी होल्ड कर रही है कमोडिटी, तो जब तक ये 2650 के ऊपर सस्टेन करती है चांसेस यही है कि 3000 के लेवल जल्द देखने को मिलेंगे। जी, तो यानी कि बिनौला खल में जल्द ही और तेजी देखने को मिल सकती है। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।